देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादा किया था कि 2022 तक किसान की आमदन को दुगना करने का काम करेंगे और उसमें पहला कदम उठाते हुए MSP के ऊपर लागत के ऊपर हमने 50% लाभ देने की शुरुआत कर दी है और धान के किसान को 200 रुपये पर क्विंटल, इसके साथ सूरजमुखी के किसान को लगभग 1260 रुपये पर क्विंटल का और तिलहन फसलों का इसी प्रकार से बाजरा का, ग्वार का, 14 फसलों का देश की सरकार ने 50% से ज़्यादा लाभ का मूल्य देने का काम किया है। इससे देश के ही नहीं हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से किसानों को भारी भरकम लाभ होने जा रहा है। अब जो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो प्रदेश और देश की भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। दुनिया के अंदर ये सबसे पहला ऐतिहासिक कदम है। मुझे याद है कि कांग्रेस के राज में 1 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ता था और ये 1-2 साल नहीं लगभग 3 साल लगातार 1 रुपया मूल्य बढ़ा है। आज हरियाणा प्रदेश गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट देने वाला प्रदेश है, सूरजमुखी सरकारी खरीद करने वाला प्रदेश मेरा हरियाणा प्रदेश है। मैं आज किसान भाइयों का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि मोदी जी की बात पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया और साथ ही आह्वान करता हूं 22 तारीख को हम शाहबाद के ही नहीं इलाके के किसान, सूरजमुखी और धान का किसान शाहबाद की अनाज मंडी में माने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे, मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और यहाँ पर शाहबाद के अंदर लगभग 20,000 किसान इकट्ठे हो